तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम चला रहे हैं फर्स्ट अटैम्प में आरएस और गौरव का चला रहे हैं ड्यूक 250 और देखते हैं क्या रेस रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों रिजल्ट फर्स्ट अटैम्प में आप लोगों को दिखा होगा, इनिशियल में तो तुम नहीं पकड़ पाओगे। हाँ इनिशियल में नहीं पकड़ पाएंगे, 100 के बाद ही आ जाएगी और बहुत गैप बना देगी ये। मीटर ऑफ है तो बहुत जल्दी लिमिटर मारते हैं, मीटर एक बार लगा के देखते हैं। तो चलिए आरएस ही चला रहे हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट अटैम्प में भी आरएस, सेकंड अटैम्प में भी हम आरएस ही चला रहे हैं भाई साहब और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ क्या वो गाड़ी तो ठीक है यार। बेस्ट परफॉर्मेंस है, गजब परफॉर्मेंस। हाँ स्टार्टिंग से कुछ फंबल हुआ तो मेरी टाइम में मैं आगे निकलो, मतलब दो बार ही झटके दिए है लेकिन उसके बाद ये आगे चले। ये जब इनिशियल ले रही है ना तो कुछ घर 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 कर रही है। 151 तक गई है ये 150 या 151 गई हमने देखा है। ये 158 गई, हम आपके पास आ रहे थे आप रोक दिए। 158 है मीटर एरर, तो ये जाती तो 160 है। स्लिप स्टीम के बिना आप आ गए हैं क्या मेरे पास? ठीक है लेकिन फिर भी आते हैं। हाँ हाँ दोस्तों देखो कंक्लूजन क्या बोलोगे? तो कंक्लूजन यही रहा भाई मेरे हिसाब से यार कि
अगर BS3 टॉप स्पीड देखेंगे टॉप एंड में तो ये आ जाएगी, अगर टॉप एंड में देखेंगे आप विदाउट स्लिप स्ट्रीम ये नहीं जी सकती कि उसको फेयरिंग का फायदा मिलेगा। इनिशियल में देखो हमसे थोड़ा फंबल हुआ, अगर तुम ये देखो हम 100 बाद आते हैं, अभी के परफॉर्मेंस में देखोगे तो हमें लगता है दोनों आजू बाजू रहने वाले। अगर हाँ अभी 150 इसका, मेरी बात सुन लीजिए, 157 इसका बराबर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बार बार हवा की वजह से थोड़ा सा पीछे जाएगी, इसको पावर का एडवांटेज, पावर का नहीं फेयरिंग का एडवांटेज मिल जाएगा। और BS3 का भाई रॉ पावर तो है ही, तो इस वजह से विनर हमारे हिसाब से तो RS ही है। और ये तो यार इसको कोई नहीं छू सकता इस टाइम 250 के आराम से। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी गजब परफॉर्मेंस है ड्यूक 250 का। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑन यूट्यूब करने वाले हैं भाई, इतना बढ़िया रेस है। और आप देखें रिजल्ट, फर्स्ट अटैम्प में भी हम ही चलाएं, सेकंड अटैम्प में भी हम ही चलाएं। गौरव को मैं बीट कर देता लास्ट में, वो स्लिप स्ट्रीम करके 151 तक चले गए थे, तो उनको मैं बीट करता लेकिन थोड़ा समय लगा, लेकिन वो रोक दिए वहाँ पे। अगर थोड़ा सा और मौका मिलता तो हम RS लेके आगे आ गए होते। ये BS3 RS है भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं BS3 RS, मैं बहुत बार बता रहा हूँ BS3 RS है। आप लोग ये मत कहना कि भाई BS4 इतनी भाग रही है, ऐसे ही है वैसी है। तो रिजल्ट RS के हित में जाते हुए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं और आपको रिजल्ट बता चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर RS BS3 के साथ और ड्यूक 250 के साथ किसी भी और बाइक का कंपैरिजन अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ।